क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनके ड्रीम्स तो बहुत बड़े हैं बट एफर्ट्स छोटे हैं? अगर डायरेक्टली बोलूं तो क्या आपके ड्रीम्स भी पूरे नहीं होते? आपको कार लेनी है बट पैसे नहीं है। आपको भी दूसरों की तरह सक्सेसफुल होना है, रिच बनना है, लेकिन स्टार्ट कैसे करें? तो साथियों, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स सर्च कर रहे हैं देन आप बहुत सही जगह आए हैं। ये वीडियो आप ही के लिए है एंड आई गारंटी कि इसके बाद आपको यूट्यूब पर मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड वीडियो को सर्च करने की कोई भी ज़रूरत नहीं होगी। वेल यू नो वॉट, ये यूनिवर्स सच में आपको वो सब देता है जो आप चाहते हैं, बट आपको सबसे पहले बिलीव करना स्टार्ट करना होगा। वैसे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, लोगों के दो तरह के माइंडसेट होते हैं। एक होता है अबंडेंट माइंडसेट और दूसरा होता है स्केयरसिटी माइंडसेट। एक बहुत ही फेमस राइटर स्टीफन कोवे ने अपनी बुक द सेवन हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में स्केयरसिटी माइंडसेट वाले लोगों के बारे में बताया है। जिन लोगों का अबंडेंट माइंडसेट होता है उन्हें हर एक चीज़ इन्फिनिट लगती है और सारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड लगते हैं। बट जिन लोगों की मेंटालिटी स्केयरसिटी होती है उन्हें हर चीज़ में कमी नज़र आती है, उन्हें मनी और बाकी सब लिमिटेड लगता है। यही रीज़न है कि वो मनी को अट्रैक्ट नहीं कर पाते। सो पहले आप मुझे ये बताएं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, अबंडेंट माइंडसेट या स्केयरसिटी माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट अबंडेंट है देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन अगर आप स्केयरसिटी माइंडसेट से बिलोंग करते हैं तो फिर थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। आज हम एग्जाम्पल लेंगे लॉटरी मैनिफेस्टेशन का। उसके लिए फर्स्ट थिंग जो आपको करनी है वो है आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, आपको उसको अबंडेंट बनाना है। अबंडेंट बनाने के लिए आप मेरे बताए इस अफर्मेशन को फॉलो करें। आइए रिपीट करते हैं, मैं अबंडेंट यूनिवर्स में रहती हूँ, मैं अबंडेंट यूनिवर्स में रहती हूँ। रिच होना मेरा बर्थ राइट है, मुझे वो सब मिलेगा जो मैं चाहती हूँ। मैं इस यूनिवर्स की मोस्ट लव्ड चाइल्ड हूँ, ये यूनिवर्स ही मेरा गार्डियन है, मेरा प्रोटेक्टर है और मेरा कॉन्फिडेंट भी है। यूनिवर्स हमेशा मेरे पीछे है और मैं मनी के साथ एक बहुत ही पॉजिटिव रिलेशनशिप रखती हूँ। सब मेरा है, सक्सेस मेरे लिए ही बनी है, सक्सेस मेरे लिए ही बनी है। तो साथियों, आपको बस इस अफर्मेशन को 21 दिनों तक बार बार रिपीट करना है। आप देखेंगे कि आप सक्सेसफुली अपना माइंडसेट चेंज कर पाएंगे। देन इसके बाद आपको विजुलाइजेशन करना है। जिसको भी आप ड्रीम कर रहे हैं उसके बारे में सोचें और ये सोचें कि वो आपको मिल गया है। अगर आप रिच होने के ख्वाब देखते हैं तो सोचें कि आप रिच हैं और आप लोगों को पैसे दे रहे हैं। जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। विजुलाइजेशन के बाद नंबर आता है एक्शन का। सिर्फ सोचने से ही सब नहीं मिलता, कुछ पाने के लिए एक्शन की भी ज़रूरत होती है। जो आप चाहते हैं उसके लिए आप एक्शन लीजिए। अगर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को विजुलाइज करते हैं और आपके एक्शंस बिल्कुल सही और अलाइंड होते हैं देन आप गोल अचीव की लाइन में टॉप पर रहेंगे। बस यही मैं आपको समझाना चाहती हूँ। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें इस वीडियो के माध्यम से समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अपने गोल को आसानी से अचीव कर पाए। मिलती हूँ आपसे जल्द ही ऐसे ही एक मैजिकल वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।